अगर आप कहीं पर काम करते हैं और आपको कोई एक्सेल फाइल दे दी जाती है प्रिंट करने के लिए, तो आप उसको कैसे प्रिंट करेंगे? क्योंकि एक्सेल फाइल को प्रिंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है। जबकि अगर MS Word या किसी और प्रोग्राम की फाइल होती है तो उसको आप डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल में डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक करके किसी फाइल को प्रिंट करेंगे तो वो आधी अधूरी ही प्रिंट होती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि एक्सेल की फाइल को कैसे प्रिंट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक फाइल दी गई है कि इस फाइल को प्रिंट करना है। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी फाइल है और इसमें काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। अभी सबसे पहले हम जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू पर। यहाँ प्रिंट में आएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो होगा कि प्रिंट होने के बाद ये फाइल कैसी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और मदर नेम ही आ रहा है। तो प्रिंट करने के बाद ये फाइल कुछ इस तरीके की शो होगी। इसमें सिर्फ चार कॉलम शो हो रहे हैं, बाकी सब यहाँ पर हाइड हो चुके हैं, कोई भी पेज पर नहीं आ रहा है। जबकि हमें ये पूरी फाइल ही पेज पर चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे व्यू में। व्यू में यहाँ पर पेज लेआउट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। पेज लेआउट पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये पेज में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में यहाँ पर है ओरिएंटेशन का ऑप्शन, इसमें आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चूज़ कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर डेटा ज़्यादा है तो हम यहाँ पर लैंडस्केप चूज़ कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि पेज लंबाई में नहीं बल्कि चौड़ाई में प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ से पोर्ट्रेट कर देंगे तो फिर पेज इस तरीके से लंबाई में प्रिंट होगा, लेकिन क्योंकि डेटा यहाँ पर ज़्यादा है तो लंबाई में यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर ओरिएंटेशन को कर लेते हैं लैंडस्केप, इससे यहाँ पर इसको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर पेज को सेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरीके से स्पेस को कम कर लेते हैं। यहाँ से भी इस तरीके से हम स्पेस को कम कर लेंगे, जो मार्जिन है। अगर आप चाहें तो यहाँ मार्जिन में आएंगे और यहाँ से नैरो पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मार्जिन नैरो हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से यहाँ कर भी सकते हैं, यहाँ का भी मार्जिन काफ़ी नैरो हो गया है। अब इसके बाद हम इसका साइज़ थोड़ा कम करेंगे। पहले यहाँ पर हम बॉटम में भी इसका मार्जिन कम कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इसका साइज़ कम करेंगे, कंट्रोल प्लस ए, यहाँ पर सब सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप होम में आएंगे और यहाँ से इसका साइज़ कम करेंगे। साइज़ यहाँ पर कम किया, अब हमें यहाँ पर कॉलम्स की जो चौड़ाई है इसको कम करना है। तो पहले हम इस कॉलम की यहाँ पर चौड़ाई कम कर लेते हैं। यहाँ पर इस कॉलम की चौड़ाई को इस तरीके से कम करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कम कर लेंगे। तो जितना डेटा है उतना ही बड़ा यहाँ पर हम कॉलम रखेंगे ताकि प्रिंटिंग में पूरा डेटा यहाँ पेज पर आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी कॉलम्स को छोटा करेंगे, उनकी चौड़ाई को, जो उनकी विड्थ है उसको कम करेंगे। यहाँ पर आपको ये देखना है कि इस पेज पर जितना भी डेटा आएगा सिर्फ वही प्रिंटिंग में आएगा। अभी जैसे कि यहाँ पर ये दूसरे पेज पर आ रहा है तो ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस कॉलम को भी हम इस तरीके से कम कर लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर हम कम करेंगे। यहाँ पर कोर्स फीस है, इसके कॉलम को भी हम यहाँ पर छोटा कर लेंगे। तो अभी देखिए सारा डेटा यहाँ एक ही पेज पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये टाइटल है, इसका साइज हम और कम कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये सही से शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम सभी टाइटल्स को चूज करेंगे और यहाँ रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये एक ही कॉलम में फिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सब सही तरीके से आ चुका है, आप इसको और बड़ा कर लीजिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसका साइज थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा रॉ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर आप सही तरीके से मार्जिन सेट कर लेंगे ताकि पेज पर एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम मार्जिन ना आए। जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन है, यहाँ पर कम है, तो हम यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा मार्जिन कर लेते हैं, अभी यहाँ पर सही है। अगर आप चाहें तो यहाँ मार्जिन्स में आएंगे और यहाँ से भी आप ये मार्जिन सेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ईजी तरीका यही है कि आप यहाँ पर कर्सर लाएंगे और यहाँ इस तरीके से मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए कि कुछ नाम ऐसे हैं जो कि यहाँ सेल में फिट नहीं आ रहे हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पर ये कट रहा है, इसी तरीके से ये भी कट रहा है। तो इसका इलाज ये है कि जो भी बड़े नेम हैं जो यहाँ सेल में फिट नहीं हो रहे हैं, आप उनको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो नाम यहाँ पूरा एक ही सेल में आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, या आप यहाँ पूरा कॉलम ही इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। और पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो पूरा टेक्स्ट एक ही सेल में यहाँ पर आ जाएगा और दूसरे सेल में टेक्स्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप सही तरीके से चेक करेंगे कि डेटा सेल से बाहर तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि जो डेटा सेल से बाहर होगा वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा, डेटा सेल में ही होना चाहिए। अगर कोई बाहर निकलता है तो आप उस पर क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, वो यहाँ सेल में ही एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फाइल सही तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम अगर प्रिंट प्रीव्यू में जाएं, प्रिंट में जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ पर देखिए अब फाइल सही तरीके से शो हो रही है। यहाँ पर देखिए फादर नेम कट हो रहा है और नीचे भी आकर के हम और भी देख लेंगे कि कौन कौन सा डेटा यहाँ पर कट हो रहा है। नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर जो भी आप देखेंगे बिल्कुल वैसी ही आपकी फाइल प्रिंट होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपको कोई गड़बड़ लगती है तो आप उसको सही करेंगे, क्योंकि वो गड़बड़ फिर प्रिंटिंग में भी आएगी। तो यहाँ पर हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए फादर नेम है, इसको हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पर अब ये सही तरीके से शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको एक फाइनल काम और करना है, आपको यहाँ पर पेज साइज चूज करना है, क्योंकि प्रिंटर में जो पेज होता है उसका एक साइज होता है। तो पेज लेआउट में आएंगे, यहाँ साइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लेटर, लीगल, A3, A4, B4, B5, इनवलप सभी तरह के पेज साइज मिल जाएंगे। ज़्यादातर जो साइज यूज़ किया जाता है वो है A4, तो आप यहाँ पर A4 साइज को चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर जो ये है ये A4 साइज पर ही आपका डेटा शो हो रहा है। अगर आपके प्रिंटर में कोई और पेपर साइज यूज़ किया जाता है तो वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे कि अगर लीगल यूज़ किया जाता है तो लीगल पेज का साइज लंबाई में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर देखिए आपको स्पेस और ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ पर आप कॉलम्स को और भी बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आप कॉलम्स को और बड़ा कर लेंगे ताकि ये पेज पर सही तरीके से फिट आए। सो इस तरीके से जिस पेज पर भी आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं वो साइज़ आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर A4 साइज़ ही चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। साइज़ चूज़ करने के बाद डेटा किसी दूसरे पेज पर नहीं होना चाहिए, वरना वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा। और उसको पहले पेज पर लाने का यही तरीका है कि आप कॉलम्स को यहाँ थोड़ा छोटा कीजिए। यहाँ पर हम इस कॉलम को भी छोटा कर लेते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप डेटा का साइज़ भी छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही तरीके से पूरा डेटा इस पेज पर आ चुका है और ये है A4 साइज़। अब हम यहाँ ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, यहाँ पर एक फाइनल प्रीव्यू शो हो जाएगा। इसके बाद प्रिंट करने के लिए आप यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें से आपको चूज़ करना होगा प्रिंटर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज़ के कंप्यूटर में कई सारे प्रिंटर्स होते हैं, तो आपको यहाँ लिस्ट से चूज़ कर लेना है कि किस प्रिंटर पर आप इस फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एनी डेस्क प्रिंटर चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पर और भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कलर और ब्लैक एंड वाइट। अगर आप ब्लैक एंड वाइट चूज़ करेंगे तो जो आपकी प्रिंटिंग होगी वो ब्लैक एंड वाइट होगी, कलर चूज़ करेंगे तो कलर होगी। फिर नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कितनी कॉपीज़ आपको इस फाइल की चाहिए। डिफ़ॉल्ट ये एक होती है, लेकिन अगर आपको इसकी 5 कॉपीज़ चाहिए या 4 कॉपीज़ चाहिए या जितनी भी कॉपीज़ आपको चाहिए आप यहाँ पर बस डाल दीजिए। जैसे कि हमें 10 कॉपीज़ चाहिए तो यहाँ पर हमने 10 टाइप कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है और आपकी फ़ाइल यहाँ पर प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस फाइल में टोटल 11 पेजेस हैं, लेकिन आपको पूरी फाइल प्रिंट नहीं करनी है, बल्कि आपको फाइल का 3rd, 4th और 5th पेज, सिर्फ 3 पेजेस ही प्रिंट करने हैं। तब आप यहाँ ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में आएंगे, यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए डायलॉग बॉक्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट रेंज का। यहाँ आप पेजेस चूज़ करेंगे और यहाँ पर एक रेंज डाल दीजिए। जैसे कि आपको 3 से 5 के बीच में प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि सिर्फ 3rd, 4th और 5th पेज ही प्रिंट होगा, बाकी कोई और सा पेज यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। आप यहाँ ओके करेंगे और आपकी फाइल प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। पेज लेआउट में आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट एरिया का, इससे आप अपने हिसाब से जितना एरिया भी फाइल का प्रिंट करना चाहते हैं उतना ही आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे पूरी फाइल प्रिंट नहीं करनी, बल्कि मुझे सिर्फ
इतना डेटा यहाँ पर प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा कितना प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट एरिया में जाकर यहाँ सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ यही प्रिंट होगा। आप यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए सिर्फ वही एरिया शो हो रहा है जो कि आपने सिलेक्ट किया था। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी जितना एरिया चाहे उतना प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो प्रिंट एरिया में आएंगे और यहाँ क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर प्रिंट एरिया जो आपने सेट किया था वो क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में जा करके देखें तो यहाँ पर आपको पूरी फाइल मिलेगी। पेज लेआउट में आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्रेक्स का। ब्रेक्स के जरिए आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक फाइल है। अब मैं चाहता हूँ कि एक पेज पर सिर्फ 17 स्टूडेंट्स की ही लिस्ट आए, जो 18 स्टूडेंट है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, 18 पर कर्सर रखेंगे, पेज ब्रेक में जाएंगे और यहाँ इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। तो पेज यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। आप देखिए पहले पेज पर 17th स्टूडेंट और नेक्स्ट पेज पर 18th स्टूडेंट से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से ब्रेक्स के जरिए आप यहाँ पेज को ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं पर पेज को ब्रेक किया है तो रिमूव पेज ब्रेक पर क्लिक करके आप पेज को फिर से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। बैकग्राउंड में अगर आप फाइल के कोई लोगो कोई फोटो डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, जो भी फाइल आप डालना चाहते हैं उसको आप चूज करके इंसर्ट कर दीजिए, बैकग्राउंड में वो फाइल आ जाएगी। तो इस तरीके से ये फाइल के बैकग्राउंड में प्रिंट होकर के आएगा। इसको हम कंट्रोल जेड करेंगे और वापस आ जाएंगे। पेज लेआउट में आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट टाइटल्स का। यहाँ पर देखिए हमारी फाइल में कुछ टाइटल्स हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, कोर्स, कोर्स स्टार्ट डेट, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फीस। लेकिन अगर हम दूसरे पेज पर आते हैं तो यहाँ पर हमें ये टाइटल शो नहीं होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि यही टाइटल सभी पेजेस पर आए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम यहाँ प्रिंट टाइटल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कौन कौन से रॉस को आप रिपीट करना चाहते हैं और कौन से कॉलम्स को आप रिपीट करना चाहते हैं। तो यहाँ हम रॉस टू रिपीट ए टॉप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम रॉस को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमें सिर्फ एक रॉ यहाँ पर चाहिए, ओके। इसके बाद आपको कॉलम्स यहाँ पर चूज करना होगा, कितने कॉलम्स को आप चाहिए। अगर आपको कॉलम्स नहीं चाहिए तो बस आप यहाँ ओके कर दीजिए। अब हर पेज पर यही रॉ रिपीट होगी जिसको आपने सिलेक्ट किया था। देखिए यहाँ पर भी आ गई है। नीचे जाएंगे थर्ड पेज पर भी देखिए यही टाइटल आ गया है। अब अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में जा करके देखें तो आपको हर एक पेज पर यही टाइटल मिलेगा। देखिए यहाँ पर सेकंड पेज है, थर्ड पेज पर आ गया, यहाँ पर भी। तो इस तरीके से आप हर एक पेज पर फाइल का टाइटल प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रिड लाइन और हेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ग्रिड लाइन को सिर्फ देखना है, जैसे कि यहाँ पर ये शो हो रही है तो आप इसको यहाँ पर चेक करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे और व्यू को चेक कर देंगे। अगर इसको अनचेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लाइन अप शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, शो हो रही है। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट भी करना चाहते हैं तब आपको यहाँ प्रिंट को भी चेक करना पड़ेगा, तभी ये प्रिंट होगी, वरना पेज बिल्कुल क्लियर प्रिंट होगा, ये लाइंस प्रिंट नहीं होगी। तो एक्सेल में किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप पेज लेआउट में आएंगे, सबसे पहले मार्जिन सेट करेंगे कि आप पेज के चारों तरफ कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं। ये आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं या आप अपने कर्सर से इस तरीके से भी चूज कर सकते हैं माउस के जरिए। दूसरा है यहाँ पर ओरिएंटेशन, आप पेज को किस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं, लंबाई में या फिर चौड़ाई में, आप यहाँ से चूज कर लेंगे। पोर्ट्रेट लंबाई के लिए है और लैंडस्केप चौड़ाई के लिए है। अगर डेटा ज़्यादा है तो आप लैंडस्केप में प्रिंट करिए और अगर डेटा कम है तो आप पोर्ट्रेट में यानी लंबाई में उसको प्रिंट करिए। तीसरा है यहाँ पर साइज, आपके प्रिंटर में कौन सा पेज है, A4, A3, लीगल, लेटर, आप यहाँ से चूज कर लीजिए। यहाँ पर है प्रिंट एरिया, अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जितना भी प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट एरिया में जाकर सेट पर क्लिक कर देंगे, सिर्फ वही प्रिंट होगा। पेज ब्रेक के जरिए यहाँ पर आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। बैकग्राउंड के जरिए आप बैकग्राउंड में कोई इमेज या लोगो डाल सकते हैं। और प्रिंट टाइटल्स के जरिए पहले पेज पर जो टाइटल्स हैं वही टाइटल्स आप बाकी के पेजेस पर भी प्रिंट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आप इसी की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है।